जी अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें ज़ाया हो रही हों उनको कैसे सेव किया जाता है। जी ये छोटा सा साबुन रह जाता है अक्सर, और अक्सर मैंने देखा है लोग उसको ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो आप उसको ज़ाया मत करें। उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए न्यू साबुन जब भी आप लें, यूज़ करने लगें, तो पुराने वाले साबुन को हल्का सा साबुन गीला करके उसके ऊपर रख के उसको प्रेस करें थोड़ी देर के लिए, कुछ 10 सेकेंड के लिए, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। और जब ये ड्राई होगा तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा, और इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पुराना साबुन सेव हो सकता है। जी नंबर टू, मैं आपको दिखाऊंगी टूथपेस्ट। जी टूथपेस्ट भी अक्सर इस तरह होती है कि जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो वो निकलती नहीं है, और उसमें काफ़ी अभी होती है और हम फेंक देते हैं। तो आप इस तरह टूथब्रश लेकर नीचे से ऊपर की तरफ पुल करते जाएँ, और सारी पेस्ट ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपकी पेस्ट जो है वो आपको 2 4 दिन, हफ्ता और निकल सकता है, और पेस्ट आपकी बच सकती है। बेसिकली महंगाई बहुत है और चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये छोटे छोटे हैक्स दिखाती हूँ। नंबर थ्री, शैम्पू। शैम्पू जो जो है अक्सर वो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर होता है, तो आप उसको क्या करना चाहिए कि उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी डाल के उसको अच्छी तरह से अगर आप हिला लेंगे तो वो सारा शैम्पू जो है आपका एक दो दफ़ा यूज़ हो जाएगा, और इस तरह शैम्पू भी ज़ाया होने से बच जाएगा। तो जी महंगाई बहुत है, घबराना किसी ने नहीं है। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ताकि महीने का एंड हो तो आप इस तरह करके अपना महीना कंप्लीट कर सकते हैं। मत जी, थैंक यू नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।